जिनमेट क्या है? जिनमेट एक रिवॉल्यूशन है सर, डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति है। जिनमेट एक रिवॉल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग में एक क्रांति है। जिनमेट फंक्शन कैसे करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली जिनमेट एक बिजनेस मॉडल के वेस्ट ना करके ज्यादा हम लोगों ने वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने इस पर बात किया सर। बिजनेस मॉडल तो हर चीजों का एक बिजनेस मॉडल होता है, विदाउट बिजनेस मॉडल आप किसी भी चीजों को लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल को अगर हम साइड रखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कैसे स्टार्ट हुई उस पर मुझे लगता है कि अगर मैं बताऊँ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या और इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है? जिनमेट का बेसिकली बहुत सारे गोल्स हैं, बट अगर हम कुछ समराइज करने की बात करें, जिनमेट बेसिकली हर एक प्रोफेशन के लिए है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप साइड इनकम बनाना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप मैजिशियन हैं, व्हाटएवर, ऑथर के लिए भी है, ऑथर के लिए भी आल्सो सर, ऑथर के लिए भी। मूल्य चुकाना पड़ेगा अगर देखे हैं तुमने सपने, क्योंकि उसमें रुकावट डालेंगे तुम्हारे ही अपने। पहनाएंगे तुम्हें नकारात्मक सलाहों की माला, कोई ना साथ देगा जब निकलेगा तेरा दीवाला। फिर भी कि आपने सीने में जला सकते हो क्रांति की ज्वाला। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, और आज सक्सेस विद अभिषेक की नई सीरीज में हम लेकर आए हैं एक नए मेहमान को। दोस्तों, हम सभी एक सोच के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उस सोच को एक मुकाम तक पहुंचाना किसी किसी के बस में ही होता है। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे शो में आए हुए हैं मनीष रावत। दोस्तों, मनीष रावत बिहार का वह उभरता हुआ सितारा है जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करेंटली लाखों में कमा रहा है। और नॉट ओनली दिस, इनके साथ टोटल 30-35 इंप्लॉइज की टीम है। तो बिना समय गवाए आपको मिलाते हैं बिहार के डिजिटल एंटरप्रेन्योर मिस्टर मनीष रावत जी से। मनीष रावत जी, स्वागत है आपका सक्सेस विद अभिषेक शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने शो में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ही आभार हूँ कि आपने अपने इस खूबसूरत से शो में हम लोग जैसे लोगों को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, यू डिजर्व ऑल दैट एप्रिसिएशन एंड इनविटेशन। मनीष जी, बहुत जल्दी में इस इंटरव्यू को हम लोग करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में ऑडियंस को वैल्यू अधिक मिले। बिल्कुल सर, सीधा सवाल है, जिनमेट क्या है? जिनमेट एक रिवॉल्यूशन है सर, डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति है। जिनमेट एक रिवॉल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग में एक क्रांति है। जिनमेट फंक्शन कैसे करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली जिनमेट एक बिजनेस मॉडल के वेस्ट ना करके ज्यादा हम लोगों ने वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने इस पर बात किया सर। बिजनेस मॉडल तो हर चीजों का एक बिजनेस मॉडल होता है, विदाउट बिजनेस मॉडल आप किसी भी चीजों को लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल को अगर हम साइड रखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कैसे स्टार्ट हुई उस पर मुझे लगता है कि अगर मैं बताऊं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैल्यू ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि जिनमेट कर क्या रही है एक्चुअल में। अगर हमने रिवॉल्यूशन की बात किया तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी है, सो जिनमेट क्यों, व्हाई जिनमेट? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि जिनमेट के बारे में थोड़ा और आप बताएं, ब्रीफ करें, क्योंकि अभी बिहार में मुझे लगता है कि आप नंबर वन रैंक कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, हाँ, तो बिहार में आप रैंक कर रहे हैं, आप एक रैंक होल्डर हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जिनमेट है ये आम जनता को या स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को या किसके लिए, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या और इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है? दो तीन पर्पस है सर। जिनमेट का बेसिकली बहुत सारे गोल्स हैं, बट अगर हम कुछ समराइज करने की बात करें, जिनमेट बेसिकली हर एक प्रोफेशन के लिए है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप साइड इनकम बनाना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप मैजिशियन हैं, व्हाटएवर, ऑथर के लिए भी है, ऑथर के लिए भी आल्सो सर, ऑथर के लिए भी। क्योंकि आज के डेट में अगर आप बात करें किसी भी बड़े इंडस्ट्री की, मैं जस्ट आपको एक थॉट देता हूं, बस आप विजुलाइज कीजिए, जरूर कि आप एक साइड में सारे इंडस्ट्री को लिख लीजिए, एक डायरी नोट बनाइए और माइंड में बताइए कि हर एक इंडस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है आपका, माइनिंग इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, उन सभी को एक साइड में रखिए और उसके अपोजिट में लिख दीजिए डिजिटल मार्केटिंग। आज एक हर इंडस्ट्री आपको डिजिटली एक्टिव दिख रहा होगा, आइदर वो सोशल मीडिया पर, उसकी वेबसाइट एंड ऑल, यानी कि हर एक इंडस्ट्री में आप डॉक्टर हैं,
डिजिटल मार्केटिंग में हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक डॉक्टर के पास एक डिजिटल मार्केटर होगा ताकि उनके जो ब्रांड को प्रमोट कर रहा होगा। तो हर एक इंडस्ट्री में ये नीड है सर आज के डेट में, जिनमें उस नीड को प्रोवाइड यस कंप्लीटली उसे फुलफिल कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फुलफिल कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मींस कि आपके पास कोई भी स्टूडेंट आ सकता है और बिना पैसा दिए हुए। बिल्कुल बिना पैसा दिए हुए, हमें कोई चार्जेस नहीं, एक सिंगल रुपीज भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए। इसका पूरा हम लोगों ने 45 डेज का मॉड्यूल्स डिसाइड बनाया हुआ है। इवन जो 45 दिनों का मॉड्यूल है इसमें हम लोग और एड ऑन करते जा रहे, धीरे 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 ये प्रोग्रेस होते जा रहा। इसमें हम कंप्लीट 45 डेज में अभी जो है हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कवर करते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि आज के डेट में हर एक पर्सन को, आपको नीड नहीं भी है तो आज से एक साल बाद दो साल बाद आएगी 100% आएगी। तो हर एक लोगों के लिए जरूरी है। इवन आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है एज अ पार्ट टाइम में, अगर आप कुछ देख रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ पार्ट टाइम में, कई लोग होता है कि पार्ट टाइम के चक्कर में कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें वो फंस के उलझ के रह जाते हैं, इवन वो पैसे को लॉस कर देते हैं, ठीक है लूज कर देते हैं। यहां पर डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखा तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग के साथ कि आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम होता है। okay. आपकी कोई दूसरी चीजें हैम्पर नहीं हो रही होती। आप जॉब से सच में परेशान है तो कोई बात नहीं, आप जॉब करते रहिए 5 महीने 6 महीने और साइड हसल आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर सर। तो ये बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग का। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, लोग बहुत सर्च कर रहे हैं। यस yes. और आपने अभी कहा कि मैं जो सिखा रहा हूं वो बिना पैसे के सिखा रहा है। बिल्कुल, स्टूडेंट को सिर्फ सीरियस होना है और अपने आप को इनरोल कराना है। हाँ, हमारे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है इनरोल कराना है। ये कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर पढ़ा रही है उसका अलग से फीस चार्ज कर रही है, फैकल्टी हायर कर रही है, स्टूडेंट से फीस चार्ज कर रही है, उसका पूरा सिस्टम इक्विपमेंट अपॉर्टस डिवाइसेस को वो परचेज कर रही है, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं मनीष जी, कुछ स्कैम वगैरह है क्या ये? बिल्कुल सर, ये स्कैम बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऑडियंस को ये डाउट होता है yes. अगर पूरे के पूरे इंडिया में अगर कोई चीज फ्री हो जाती है तो फ्री क्यों दे रहा है? यस yes. क्या कारण है इसका कि फ्री मिल रहा है, ये फ्री क्यों है? तो ये फ्री क्यों है और ये इसके पीछे मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट? जस्ट सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल के साथ। पहली बातें तो हम ये कर ले कि ये जो फ्री है जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो वैल्यू है लगभग 3 लाख रुपए के अराउंड में हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 लाख रुपए आप जो सिखा रहे हैं yes. वो और कोई सिखाएगा? हाँ, तो वो 3 लाख रुपीज 3 लाख रुपए चार्ज करेगा, 100% उसकी वैल्यू है 3 लाख। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? यस हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर। और बहुत सारे बच्चे जो 1.5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए देकर हमारी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं प्रॉपरली और वो बोल रहे सर वाओ आपने तो मैजिक कर दिया लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थाने इंस्टीट्यूट जो कि बच्चे से 45,000-50,000 देश के अलग अलग स्टेट अलग अलग कंट्री से इवेंट जो है लोग बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया सर। अब लोगों के मन में होता है कि सर आप कैसे अर्निंग करते, ये सिस्टम कैसे चल रहा? बेसिकली इसका मोटिव ये नहीं है कि हम जो है अर्निंग करें, ठीक है अर्निंग के सोर्सेस हमारे पास और भी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, आपके पास जिनमें को हम लोगों का एक मिशन है सर कि 10 लाख को 10 लाख इंडियंस को हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग करवाएं। लेकिन मैं आपको छोटा सा डेटा शेयर करता हूं, 2019 में जो है सिर्फ 11% लोग 11% लोग पूरे पैन इंडिया में सिर्फ कंप्यूटर जानते हैं, ये वर्ड्स जानते हैं थोड़ा बहुत वो गैजेट, ओनली 11% ओनली 2019 में। राइट नाउ अभी जो परसेंटेज है ओनली 25% लोग जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कंप्यूटर का नॉलेज, नॉलेज भी नहीं, वो स्टडी भी नहीं, बस कंप्यूटर होता है ऐसा सब्जेक्ट है लाइक दैट, ठीक है। अभी 25% इंडियन, यानी कि राइट नाउ 75% इंडियन को तो अभी अच्छे से पता भी नहीं कि कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है। एक और डेटा शेयर करता हूं सर, लगभग जो है 85% के अराउंड, ये थोड़ा बहुत 19-20 होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 85% के आसपास में लोगों को ईमेल नहीं करने आ रहा, लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपके माइंड में डालना चाहूंगा लोगों के माइंड में कि दुनिया जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रही है? तो सारी चीजें एआई सब चीजें डिजिटलाइज, आपको ऑटोमेशन, मैं सिंपल से बिल्कुल मैं आपसे सिर्फ ये बोलता हूं आप घर में बैठे रहो, आप 90% काम जो है आप अपना घर बैठे करवा सकते हो, 90% आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
लाइक आपको अगर रेल का टिकट कटवाना है घर बैठे, कोई जरूरी कि बैंक में जाना, ये वो लाइन में लगना है, बैंक ट्रांसफर करना हो पैसा तो एक बार फोन पे कर लीजिए हो गया, आपको खाना मंगाना हो तो स्विगी हो गया, आपको कपड़ा पहनना हो तो अमेजोन कर लीजिए, तो लाइक दैट ऐसी बहुत सारी, आपको डॉक्टर से बात करना है जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपके घर में अपने पेट पाल रखा है, एनिमल्स पाल रखा है, आप उसके लिए कोई सलाह लेना ले लीजिए, बार बार को आपको बड़ी सिटी में आप जाओ जैसे मुंबई दिल्ली इस टाइप में जगहों पर आप जाएंगे, आपके घर पर बाल काटने के लिए बार बार आ रहे हैं, पटना में भी है, पटना में भी है, ठीक है, तो ये जो चीजें इवेंट हो रही है, जो घटना हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग के वजह से हो रहा, सो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग कि नहीं हम लोग को जो है 10,000, ये बहुत छोटा सा नंबर है सर, ये 10,000 हम लोग 0.1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, मैं बहुत लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको राइट एजुकेशन पता है डिजिटल, लोगों को क्या है कि आधा अधूरा नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लेकिन मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन हम अपने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे पास कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेडिकेटेड होके पढ़ा, तो आप भी स्टार्ट करो, क्योंकि अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, टीम वर्क पर बिलीव करते हैं, हमारी ऑलरेडी टीम है, लेकिन आप सेपरेट भी कीजिए, अपना भी कीजिए, इवन आप चार्ज लीजिए, एक छोटा अमाउंट लीजिए, ऐसा नहीं कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने 50,000 ले लिया और वैल्यू दे रहे हैं हम लोग 10,000 5,000 के लाइक भी नहीं, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, और आज के डेट में आप तो पैसे बहुत कमा सकते हो, लेकिन आपको राइट एथिक्स और राइट वैल्यू अगर प्रोवाइड करें तो लोग आपके पास आते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन था, मैं वहां पर आता हूं कि आप पैसे कैसे कमाते हो, जस्ट सिंपल सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपसे बोलू कि आपको एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, और डॉक्टर की चलो मैं 1 करोड़ रुपए लगते पढ़ने के, 50 लाख रुपए लगते पढ़ने के, मैं बोलता हूं कि मैं फ्री करवा देता हूं, अभिषेक सर मैं आपके लिए फ्री करवा देता हूं, ठीक है, लेकिन ठीक है मैंने फ्री करवा दिया, लेकिन सीखने के दौरान में कई सारे आपको बुक खरीदने पड़ेंगे, हाँ। क्या उसको तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना फ्री करवाना, आपको इस तो क्या कहते हैं वो इस स्कोप कहते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं बहुत सारे, जब तक एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप सिर्फ ऐसे हाथ खड़ा करके बांध कर आप सीख सकते हो क्या डॉक्टरी, नहीं मतलब आपको हाथ तो लगाने होंगे ना, रिसोर्सेस चाहिए, मुझे रिसोर्सेस चाहिए 100% चाहिए, वो हर जगह, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो हर जगह रिसोर्सेस चाहिए, तो यहां पर भी सेम चीज होता है डिजिटल मार्केटिंग में भी, कि अगर आप कर रहे हो, आप 1 करोड़ रुपए का कोर्स करके आओ, आप यूएस से करके आओ, जापान से करके आओ, चाहे आप इंडिया से करके आओ, इक्विपमेंट खरीदना ही है, इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, सो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से हम लोगों ने टाई अप कर रखा है, ठीक है, जितनी भी इंडिया की वर्ल्ड की अलग अलग कंपनी, उन लोगों से हम लोगों ने टाई अप कर रखा है, और इवन वहां पर भी एक तो कोर्सेज फिर भी वैल्यू में प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 3 लाख रुपीज है, और जो कॉस्ट आपको लगता है जब आप सीखते हैं तो इक्विपमेंट में भी आपका 70,000 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है जब आप अपने लिए काम करते हो, तो उसको भी हम लोगों ने कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ 10% पर लाकर रख दिया, ठीक है, ये तो कमाल आपने कर दिया है, मतलब ये नीड है सर, बेसिकली हम लोगों ने कमाल नहीं किया, कमाल लोगों ने किया, लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और आज हमारी टीम का सपोर्ट रहा जिसके वजह से ये कमाल हो रहा और आप लोगों के प्यार के वजह से सर ये वो तो है, बट मैं एक चीज बड़ा देखता हूँ आपने, और मैं कैजुअली बात कर रहा हूँ आपसे कि आप ना बहुत जल्दी कहते हैं, मतलब इधर कुछ दिनों में, और जैसे अगर आप किसी लालच में नहीं आते, किसी टेम्पटेशन में नहीं आते, उस चीज का प्रॉमिस करते ही नहीं है, आप फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं कस्टमर को कभी भी, कभी की मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं दिस दे दूंगा, मैं डेट दे दूंगा, ये 200 रुपए का कोर्स ले लो और 2 महीने में करोड़पति बन जाओ, ऐसा कुछ आपका कुछ नहीं, कुछ ऐसा हमें, हम जो बात कर रहे हैं हम लोग वो क्या कहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सीधे बोलता हूँ कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो एप्लीकेशन ड्रीम है, ठीक है, तो ये अगर आपको सच में अगर सर पैसे कमाने हैं तो मैंने एक ही चीजें सीखा है कि मेहनत करना होगा, एजुकेशन लेना होगा, दैट सिंपल, ठीक है, आपको मेहनत करना होगा, ये थोड़ा दर्शकों को थोड़ा एकदम कन्विक्शन के साथ आप बोलिए, कह रहे हैं बोलिए कि क्या बिल्कुल वही मैं कहता हूँ बार बार कि आपको जो है मेहनत करना होगा, दिन रात क्या हो रहे हैं उसको भूलना होगा और आपको एजुकेशन के ऊपर वर्क करना होगा, आप अपने कई बार होता है ना लोग जैसे इंडिया के आपने एक डेटा आप ऑलरेडी इस फील्ड में है तो आपको पता होगा सर कि ओनली 5% लोग जो है एक जो रीच वाले में जो है उसमें रहते हैं, उसका एक मेन पर्पस है सर
क्योंकि जो 95% पर्सन है ना वो अपने बॉडी के 90% 5 के नीचे के हिस्से पे खर्च करते हैं, हाँ बिलो नेक पे वो हिस्से पर खर्च करते हैं, वो 5% पर खर्चे नहीं करते हैं, इधर खर्च करने की आवश्यकता है। लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ब्रेन विल गिव यू द हाईएस्ट गेन, ये 5% हिस्से पर, तो आप 5% वाले लोग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। आप क्या खरीदते हैं, ये घड़ी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, दिखाने वाले शॉप वाली चीजें, तो ये नहीं चलने वाला। आप करो ठीक है, सबका एक अपना डिजायर होता है, एक सपना होता है, ड्रीम होता है, तो आप करिए, लेकिन एक टाइम के बाद आप करिए। अभी ड्रीम से मुझे याद आया कि मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी आप कोई कार के बारे में आप सोच रहे हैं, तो yes. कोई और वो क्या बजट है, मैं चाहता हूँ दर्शकों को उसका सर बजट अराउंड है कि हम लोग लाइक क्रेटा या एमजी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्रेटा तो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो बहुत बहुत खुशी की बात है, अग्रिम बधाई आपको क्रेटा के लिए। और देखिए तुरंत अगले सवाल पे आते हैं कि बहुत सारे लोग नौजवान जो यंगस्टर्स है ना वो सोचते हैं यार कोई शॉर्टकट मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा काम मिले कि काम न करना पड़े, सोए रहे आराम से और 1 लाख 2 लाख 50 हजार की इनकम आती है, तो क्या ऐसा संभव है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर भी एक टाइम टेकन प्रोसेस है। okay. आपको 2-3 महीने देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आपको अब हाँ ये एक बड़ा प्रिविलेज है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप जो है साइड इनकम जनरेट करते हैं, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है ना टाइम का कि ऐसा हो गया कि नहीं 4 से 8 में ही करना है, 8 से 10 में ही करना है, नहीं, आपको 2 घंटे रात में टाइम मिल रहा है, 2 घंटे रात में दीजिए, 1 घंटे मॉर्निंग में मिल रहा है, 1 घंटे मॉर्निंग में दीजिए, 2 घंटे दोपहर में मिल रहा है, 2 घंटे दोपहर में दीजिए। तो ये बड़ा जो पार्ट है ना बहुत लोगों को डिजिटल मार्केटिंग जो आपको बहुत बड़ा प्रिविलेज देता है, तो ये बहुत जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और सबसे जो फास्ट ग्रोथ होता है इसका मेन रीजन भी यही है, आप कहीं पर भी एक जगह पर 4 घंटे 5 घंटे नहीं दे पाते कि क्योंकि आपको अपना पर्सनल चीजें भी देखनी, ऑलरेडी जो अर्निंग हो रही है उसको भी, रिसोर्सेस को, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो टाइम बहुत बड़ा मैटर करता, तो ये जो टाइम का वैल्यू यहाँ पर जो होता है। बिहार के नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिहार के नौजवानों को, इवन पूरे इंडिया के नौजवानों को मैं यही कहना चाहूंगा, इवन मैं भी उसी पार्ट में से हूँ कि आप तो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी आपकी बन रही है, आपकी एज क्या है? सर अभी हम 24 कंप्लीट करेंगे 5 सितंबर, तो हाँ 5 सितंबर को हमारे पास अभी तक जो है 30 ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन हम लोग उसमें से बस ओनली 5 पीपल को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यू आर एलिजिबल और नॉट, जैसे हमारे इस क्लासेस करेंगे तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है, 5 डेज का राउंड टेस्ट चलता है, असाइनमेंट होते हैं, आगे आप पाओगे कि नहीं तो उसके लिए टेस्ट एंड ऑल चलते हैं, तो फिर हम आगे डायरेक्ट नहीं कि आ जाओ टूल्स एंड ऑल, टूल्स से हम पैसे कमा रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी है, लेकिन उससे पहले आप हमारे क्लास के लायक हो कि नहीं तो वो हम फिल्टर करेंगे, यस देन फिर आप हमारे क्लास में। आपके रोल मॉडल कौन है? सर हमारे रोल मॉडल्स तो मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, रतन टाटा हो गए, इधर हमारे साथ जो है ओयो रितेश अग्रवाल, ये मतलब बहुत क्लोज में ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने कम एज में चीजों को इतने बड़े लेवल पर लेके गए, तो और रतन टाटा तो ऑब्वियसली सर सबके एंटरप्रेन्योर के, हर एंटरप्रेन्योर के हैं। ओके चलते चलते एक दो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जिनमेट से जुड़ना चाहता है Yes. क्या करना होगा उसे? जिनमेट से अगर जुड़ना चाहता है तो जिनमेट की टीम से कांटेक्ट करेंगे, जिनमेट का ऑलरेडी वेबसाइट आपकी है, यस jinmet.com, और इवन जो है आप हमारे इंस्टाग्राम पर जिनमेट ऑफिशियल से भी कनेक्ट कर सकते हैं टीम से, तो और गांधी मैदान या बिकना पहाड़ी पटना में 3 जगह ऑफिसेज हैं, तो 2 ऑफिस में आप विजिट भी कर सकते हैं। यस ओके, और आप गाना कुछ अच्छा गाते हैं तो थोड़ा दर्शकों को गाना सुना दीजिए। म्यूजिक का सर शौक तो था लेकिन बट वो धीरे धीरे इधर बढ़ते बढ़ते चीजें उधर खत्म हो गई, नहीं फिर भी कुछ चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना था ना। ओके तो कुछ और दूसरा हम लोग सॉन्ग सर कोई क्लासिक सा सॉन्ग अगर गाना चाहें जरूर, तो गाना कुछ ऐसा है आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ लेकिन शायद आपसे मिल ना पाए ये गाना आपके अकॉर्डिंग, सो गाना का लाइन है अभी ना ये चांसी महबूबा चांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत जबरदस्त। और मनीष जी एक रैपिड फायर हमारा रहता है okay. तो आप जल्दी जवाब देंगे okay. कम शब्दों में। आई विल ट्राई सर।
आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? सर ये जो है मेरे जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये रहा, जब मैंने एकदम सबसे डाउनफॉल में गया था उससे जब उभर कर आया तो वो मेरा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट उस टाइम का सबसे था। सबसे बताना चाहेंगे डाउनफॉल किस प्रकार का? वो जहां तक शेयर करूं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, वहां पर फेल कर गया, मैंने कई बार किए थे तो उसमें काफी बड़ा लॉस लगा था, 3.5 लाख रुपए का। उस एज के अकॉर्डिंग 3.5 लाख बड़ा था, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी टर्म में, अभी तो वो 3.5 लाख रुपए कुछ नहीं, नहीं आपके लिए। लेकिन उस टर्म में जब आप ऐसे एज में रहते हैं 16-17 के साल में रहते हैं और आपको 3.5 लाख रुपए का लॉस होता है तो वो बड़ा था। और जब मैं उससे उभरा तो मुझे समझ में आ गया कि ओके गेम कहाँ पर है, ऐसा लॉस उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर समझ में वहां पर मुझे सबसे पेनफुल मोमेंट लाइफ का, सबसे पेनफुल भी वही था, वही था कि जब मैंने डूबा था तो 3.5 लाख रुपए का जब डूबा। ओके, कभी किसी को एक आध फैट लगाया है कहीं पर? कई बार, मतलब बहुत रेयर कंडीशन होते हैं, एकदम एक्सट्रीम पर चीजें जाती है फिर चीज, मतलब आपने समझ रहा हूँ। कितने घंटे सोते हैं पर डे? वो तो बी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा, मतलब ऐसा अभी रेगुलर बेसिस पर चलता है कि कई बार हमने तो बिना सोए हुए दो दिन तक भी काम किया, लेकिन अभी रेगुलर बेसिस पे काम बोले तो 4 आवर तो सर ये है एवरेज, 4 घंटे सोना, यस रेगुलर 4 घंटे में काम हो जाता है। यस ये अभी यही करना पड़ेगा सर, अगर आप एंटरप्रेन्योर और आप लोअर मिडिल क्लास से निकल कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो करना फिर तो करना पड़ेगा आपको, तो 4 घंटे 2 घंटे भी नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन ऐसा कुछ मेरा मतलब है ही नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं है, लिटरली नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा कोई हीरो? हीरो में यस सर आमिर खान, आमिर खान वो व्हाटएवर वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा होगा, एक होता है ना कि पर्सन को जो देख रहे वही तो आप समझ सकते हो, आप तो पढ़ तो नहीं सकते हो किसी को, तो उनकी जो मूवी एंड ऑल जो पहले आती थी मैं बड़ा इंस्पायर हुआ करता था, लाइक कि जैसे 3 इडियट भी था बहुत अच्छा लगा था मुझे मूवी, एंड बहुत टाइप के वो जो मूवी उनके एक्टिंग। अगर आपको भी बिहार का सीएम बना दिया जाए ओके तो पहली चीज आप क्या कीजिएगा? अगर मुझे बिहार का सीएम बना दिया जाए तो मैं लिटरली मैं एजुकेशन में बदलाव करने की बात करूंगा। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरे बारे में तारीफ कर दे मेरे ऑडियंस को। मेरी ऑडियंस को सर तारीफ की बात उन्हें कही जाती है ना जो तारीफ, मतलब वो अलग चीज है, आप कहने के लिए नहीं वो हो आप ऑलरेडी ठीक है, दो दो किताबें लिख रखे हैं और माइंड ब्लोइंग किताब, मैं तो मतलब जब स्टार्टिंग में आपने जब मुझे बुक दिया था तो मैं सरप्राइज हो गया कि हमारे बिहार में लोग लाइक इस टाइप के राइटर है, माइंड ब्लोइंग सर आप जो कर रहे हैं जिस तरीके की चीजों को कर रहे हैं और जो यूथ में आप बदलाव ला रहे हैं वो सीरियसली बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, जिसे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बदले आप कह देना 2 शब्द वो कम पड़ेंगे, तो वाकई काबिले तारीफ आपके काम। थैंक यू सो मच मनीष जी आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो दिस इंटरव्यू मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कभी भी जिंदगी में हार ना माने, ये लड़का कहां से उठा है और कहां किस लेवल पे है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये लड़का मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, हालांकि उम्र में मैं इससे 5-7 साल सीनियर हूँ, बट आपने कमाल का काम किया है मनीष जी और बहुत कमाल आप कर रहे हैं जिंदगी में, और हमारे मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनके उन ऑडियंस की तरफ से भी आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिंदगी में किसी भी राह में कभी भी आपको लगे कि आपको अगर हमारी जरूरत है तो हम लोग मिलके काम करें, और बिल्कुल हमेशा हम लोग हैं, हमेशा मुझे हमेशा एक पॉइंट में बार बार बोलता हूँ कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर आप यूनिटी से चल रहे हैं वो सबको पता भी होता है, इवन हर पॉइंट आपको पता होता है सर कि आपको क्या करना है क्या सही है क्या गलत है हर चीजें पता है, तो उसमें से एक पॉइंट है यूनिटी, आप सबको पता है हम सबको पता है कि यूनिटी में बड़ा पावर है, तो यूनिटी से तो ऑलरेडी सर ग्रोथ है 100%। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने का मन नहीं कर रहा लेकिन टाइम की अपनी एक पाबंदी है, हम लोग फिर एक कुछ नया चीज अगर आप करते हो तो हम लोग फिर एक यू नो यहाँ पे पॉडकास्ट एक इंटरव्यू हम लोग करते हैं साथ में और हम लोग फिर मजा करते हैं उसमें। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।